hello class today we will do chapter 9 life in towns and villages yani towns or villages mein kaisi zindagi thi so in this chapter we are going to learn about second urbanization features of the second urbanization urban centers sources and also the case study of Arika Medu. so let's start with the chapter it is on page number 74 इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज दर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन टू एग्जिस्ट इन दिन सिविलाइजेशन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है जो कि सिंधु नदी के पास थी इंदस रिवर के पास थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी सभ्यता थी ये द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन द लेटर वेदिक पीरियड एंड द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेट द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट वॉज़ आइडेंटिफाइड एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन दिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरुआत होती है अर्बनाइजेशन की और इसकी शुरुआत होती है लोगों की खेती यानि एग्रीकल्चर करने से और आयरन की डिस्कवरी से जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई वैसे ही काफ़ी सारे वेपन्स काफ़ी सारे टूल्स आ गए जिनसे एग्रीकल्चर करना बहुत आसान हो गया एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन पेव्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज दैट इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एज अर्बन सेंटर्स सम ऑफ द मेजर अर्बन सेंटर्स दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड पाटलिपुत्र इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये अर्बन सेंटर्स थे जिनमें अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही थी आयरन uh, की डिस्कवरी ने काफी कुछ बदल के रख दिया था आयरन की डिस्कवरी ने टाउन्स एंड सिटीज को प्रोग्रेस करने में काफी हेल्प की थी उनमें से कुछ अर्बन सेंटर्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं आपको जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स थे सो इट वॉज पाटलिपुत्र राजगिरह वैशाली चंपा बनारस मथुरा कौशाम्बी श्रवस्ती एंड कपिलवस्तु कपिलाइजेशन सेकंड अर्बनाइजेशन है क्या चीज By the post-Maurian period, the pace of urbanization had rapidly increased. तो मौरियन पीरियड के बाद से urbanization काफ़ी तेजी से बढ़ा This phase is called by the historians as the second urbanization. ये जो टाइम पीरियड है जब मौरियन के बाद urbanization हुआ सेंटर्स बनने लगे डेवलपमेंट हुआ खेती बड़े लेवल पर होने लगी और आयरन की डिस्कवरी हो गई इस प्रोग्रेस को इस समय को बोला गया सेकेंड अर्बनाइजेशन नाउ इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स मेड ऑफ आयरन वर यूज एक्सटेंसिवली जैसे ही आयरन की खोज हुई आयरन से बने टूल्स ट्रेंड में आ गए द आयरन एक्स हेल्पड क्लियर द लैंड दैट वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन तो पहले क्या होता था कल्टिवेशन के लिए क्रॉप उगाने के लिए जगहों को खाली किया जाता था अगर कहीं जंगल है या पेड़ पौधे उगे हुए हैं तो काट के उसको अच्छे से खाली किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए तो जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई आयरन की खोज हुई तो आयरन के टूल्स ने बड़ी मदद की ऐसे जगह को साफ करने के लिए जिसको जिसपे आप पेड़ पौधों को हटाकर अपनी क्रॉप उगा पाएँ द आयरन ploughshare improved द methods ऑफ cultivation एंड मेड इट पॉसिबल टू प्लो लैंड that was earlier deemed टू बी unfit फॉर cultivation. तो देखिए जब तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी अच्छे टूल्स नहीं थे खेती करने के लिए तब तक जो ज़मीन की ऊपर की जो मिट्टी थी वो खराब थी तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था क्रॉप को ग्रो कर पाना पर जब डिस्कवरी हुई आयरन की नए नए आपके टूल्स बने तो बहुत आसानी हुआ बहुत आसान हुआ खेती करना किस तरीके से कि उसकी मिट्टी को आप जो नीचे अच्छी फर्टाइल मिट्टी है उसको ऊपर अच्छे से लाया जाता है नॉर्मल भाषा में जो हम अपने गार्डन में भी करते हैं वो हम करते हैं गुड़ाई देखें गुड़ाई करते हैं उससे क्या होता है कि नीचे की जो अच्छी मिट्टी होती है जो फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है ओके okay, तो प्लो आ, लैंड को प्लो करने के लिए अच्छे टूल्स की ज़रूरत थी जो कि आयरन के बनने लगे और खेती में मदद मिलने लगी अलार्ज एन एरिया कल्टिवेशन एंड इम्प्रूव्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इरीगेशनल फैसिलिटीज वर वल्सो इम्प्रूव टू सपोर्ट एग्रीकल्चर भाई जब टूल्स अच्छे होंगे जब ज़्यादा लोग खेती करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा खाने की चीज़ों का फूड ग्रेन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा उगेंगे वो इसके अलावा सिंचाई सिंचाई का मतलब इरीगेशन अपनी क्रॉप में पानी देना तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स आने लगे मैनी वेल्स कैनाल्स एंड टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस डेवलपमेंट्स लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स नो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार भी काफ़ी होने लगा था द सप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टेड इन फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड भाई अगर अनाज ज़्यादा उगेगा तो व्यापार तो होगा उसका तो जब एग्रीकल्चर अच्छा हुआ फ़ूड ग्रेन्स अच्छे उगने लगे तो व्यापार में भी तेज़ी आई पीपल नाउ सोल्ड देयर सरप्लस इन टाउन्स एंड सिटीज़ लोग जो उगाते थे खेती करके पहले वो खुद खाते थे कम जगह में होती थी कम फूड ग्रेन होते थे फैमिली का काम चल जाता था पर अब तो टूल्स की मदद से ज़्यादा खेती हो रही है फूड ग्रेन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा फूड ग्रेन होते थे वो उनको बेचने लगे मैनी ट्रेडर्स देन फॉर्म श्रेणीज एंड टू रेगुलेट ट्रेड एंड सेव गार्ड इंटरेस्ट सिंस दिस पीरियड अ राइज इन आर्ट एंड क्राफ्ट टू टाइप्स ऑफ गिल्ड्स वर स्टैब्लिश मर्चेंट गिल्ड्स एंड क्राफ्ट गिल्ड्स तो देखिए व्यापार होता था तो मर्चेंट्स मर्चेंट गिल्ड्स मर्चेंट बनने लगे मर्चेंट गिल्ड्स का मतलब इनके ग्रुप होते थे इनकी समितियाँ होती थी जो इनके इंटरेस्ट के लिए काम करती थी किस तरीके से व्यापार होना चाहिए क्या, क्या उनकी कीमतें रहेंगी किस तरीके से होगा दूसरा बनने लगी क्राफ्ट्स गिल्ड्स दूसरा जो एक ग्रुप निकल कर आया वो था आपका क्राफ्ट से रिलेटेड लोगों का यानी कलाकारी जो चीज़ें करते थे कलाकारी मतलब चीज़ें चीज़ों पे जो आकृतियाँ बनाते थे कलाकारी करते थे चीज़ें बनाते थे सो क्राफ्ट गिल्ड्स द मर्चेंट गिल्ड्स इंक्लूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वाइल द क्राफ्ट गिल्ड्स इंक्लूडेड वीवर्स गोल्ड स्मिथ्स कारपेंटर्स लेदर वर्कर्स एंड पीपल हु हैड सिमिलर ऑक्यूपेशन तो देखिए इन सब लोग इन लोगों की बड़ी कलाकारी होती है ऐसे लोगों को कलाकार बोलते हैं वीवर्स हुए गोल्ड स्मिथ्स हुए सोने का आभूषण बनाने वाले लोग हुए कारपेंटर लेदर वर्कर तो इनका ग्रुप जो था ऐसे जो लोग थे वो आते थे क्राफ्ट्स गिल्ड में किसमें आते थे क्राफ्ट्स गिल्ड में मर्चेंट गिल्ड्स में कौन आते थे मर्चेंट गिल्ड्स में आते थे वो लोग जो व्यापार से संबंधित होते थे और ऐसे ट्रेडर्स जो कि उस समय पर ट्रेड किया करते थे बिसाइड्स रेगुलराइजिंग Trade guilds also supported the members by organizing trading activities, providing trainings and procuring raw materials. इनका काम क्या होता था? नए लोगों को training देना, पुराने जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए और ज़्यादा occupation, और ज़्यादा ऐसी जो व्यापार है उसको फैलाना, उनको support करना। The trade guilds also functioned as banks where a member could deposit their money. एंड अवेर लोन्स इफ दे रिक्वायर्ड इसके अलावा ये पैसे का लेन देन भी करते थे ये जो ग्रुप होते थे किसी को ज़रूरत है भाई उसको लोन देते थे किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो यहाँ पर बैंक की तरह अपने पैसे को जमा कर सकता था दीज ट्रेड गिल्ड्स ऑल्सो है जनरस डोनेशन टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मेनी स्क्रिप्शन फाउंड इंस्ट्यूपाज एंड शंग वेरियस क्राफ्ट एंड गिल्ड्स

Uh, इसके अलावा ये जो दोनों ग्रुप्स के बारे में जो गिल्ड्स के बारे में हमने बात की ये दान दक्षिणा भी दिया करते थे मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में ट्रेड वॉज नॉट लिमिटेड विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट वल्सो स्टैब्लिश विद फॉरन कंट्रीज एज वेल द कोस्टल एरियाज डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ मैरी टाइम ट्रेड इन फैक्ट ग्रीक लिटरेचर मैंशंस द टू इंडियन पोर्ट्स ऑफ बारूच एंड तमलुक तो सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी अपने ही एरिया में पहले ये लोग ट्रेड नहीं करते थे फॉरेन ट्रेड्स के भी प्रूफ मिले हैं यानी विदेशों से भी ट्रेन ट्रेड हुआ करते थे फॉरेन कंट्रीज से भी ये लोग व्यापार किया करते थे और ऐसे ग्रीक लिटरेचर से ग्रीक लिटरेचर से हमें दो ऐसे पोर्ट्स के बारे में पता चला है जिनसे ट्रेड हुआ करता था तो ये थे भरूच और तमलुक द जटाकाज हैल स्टोरीज दैट टेल अस अबाउट मर्चेंट ट्रेडर्स हु ट्रेवल्ड बाय सी इसके अलावा जटाकाज हैं जो उससे हमें काफ़ी पता लगता है कि हाँ बाहर से ट्रेडर्स आते थे हमारी कंट्री में और ट्रेड किया करते थे नाउ कॉइंस विद एन एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स कॉइंस वर वाइडली सर्कुलेटेड द coins were मोस्टली मिंटेड इन कॉपर एंड सिल्वर एंड डिड नॉट हैव अ परफेक्ट शेप तो देखिए व्यापार होता था तो सिक्के तो रहेंगे रहे ही होंगे तो उस समय के जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं कॉपर के सिल्वर के ओके okay? पर उनका कोई परफेक्ट शेप नहीं था जैसे आज हमारे पास जितने भी कॉइंस अवेलेबल हैं वो सर्कुलर मिलेंगे आपको गोल मिलेंगे पर पहले ऐसा नहीं था पहले सर्कल में ही नहीं होते थे कुछ स्क्वायर्स भी मिलेंगे आपको कुछ हेक्सागन भी मिलेंगे तो शेप परफेक्ट नहीं हुआ करती थी उस समय डेफिनेट नहीं हुआ करती थी द कॉइंस वर फ्लैट पीसीज ऑफ मेटल दैट वर इरेगुलर इन शेप उसके अलावा प्रॉपर जो शेप होती थी वो भी अच्छे से बनी हुई नहीं होती थी इेगुलर uh, होती थी वो शेप इसके अलावा ऐसा लगता था जैसे मेटल का एक टुकड़ा है वो सिक्के के नाम पर मेटल का ही एक फ्लैट पीस हुआ करता था एन एम्बलम दैट हैड सॉर्ट ऑफ मीनिंग अटैच टू इट और द रूलर्स इन्सिग्निया वॉज इन्ग्रेवड ऑन द कॉइंस ड्यू टू देयर इरेगुलर शेप एंड मार्किंग्स द हिस्टोरियंस कॉल them पंच मार्क कॉइंस तो उन पर कुछ ना कुछ सिंबल बने रहते थे जो उस समय के किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते होंगे इसके अलावा रूलर्स से जुड़ी हुई बातें भी उसमें पंच होती थी यानी कि उसमें बनाई जाती थी इरेगुलर शेप और इन्हीं मार्किंग्स की वजह से इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था न पीपल लोग कैसे थे वहां पर द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड इन नॉर्थ इंडियन विलेजेस वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडियन विलेजेस तो नॉर्थ के जितने भी विलेज थे वो साउथ के विलेज से बिल्कुल अलग थे सोसाइटी में इन नॉर्थ इंडिया द विलेज हेडमैन और ग्राम भोजक was a big लैंड ओनर ही वुड एम्प्लॉय लेबर टू वर्क ऑन हिज फील्ड तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें देखो दो पार्ट हो गए एक तो नॉर्थ इंडिया के विलेजेस और साउथ इंडिया के विलेजेस तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के विलेजेस के बारे में तो इसके अंदर जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था यानी जो सबसे बड़ा अहदे का इंसान होता था पूरे गाँव में वो होता था आपका ग्राम भोजक जो कि लोगों को काम भी दिया करता था अपने अपने खेतों में अपने एरिया में काम करने के लिए द पोजिशन ऑफ द ग्राम भोजक वॉज हेरिडिटरी तो ग्राम भोजक ऐसा नहीं था कि आ, लोग बनाते थे या अलग अलग होते थे वो होता ये था कि किसी एक परिवार का अगर एक बंदा ग्राम भोजक बन गया तो अगली बार ग्राम भोजक उसी का बेटा का बेटा उसी का बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा ऐसे बनते थे यानी कि ये रेडेटरी था द विज हेडमैन रिप्रजेंटेड द रूलर एंड वु फंक्शन एज अ रेवेन्यू कलेक्टर ही कलेक्टेड टैक्स एंड ईवन अंडर टूक द रोल जज और द पुलिस टू सॉट आउट मैटर्स इसके अलावा जो विलेज हेडमैन था वो रेवेन्यू कलेक्टर का भी काम करता था यानी जितना भी टैक्स होता था वो भी वो कलेक्ट करता था इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो जज और पुलिस सबका काम वही कर लेता था किसी भी डिस्प्यूट किसी भी मैटर को वो सुलझा लिया करता था स्मॉल लैंड ओनर्स नोन एज ग्रहपतिज तो जो छोटे लैंड ओनर्स होते थे जिन पर कम जमीन होती थी बड़े जमीन वाले तो हो गए आपके ग्राम भोजक जिन पर छोटी जमीन होती थी उनको बोलते थे गृहपतिज द दास एंड पीपल हु डिड नॉट ओन लैंड इसके बाद होते थे दास जिनके पास किसी भी तरीके की कोई ज़मीन नहीं होती थी वो काम किया करते थे इन लोगों की जमीन पर जमीनों पर किन लोगों की जो ग्राम भोजक थे जिन पर बड़ी बड़ी लैंड होती थी आ, इसके अलावा गृहपतिज के यहाँ जो दास होते थे और कर्मकार्स होते थे इनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी दे एंड देर लिविंग बाय वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ ग्राम भोजक एंड गृहपतिज एंड बाय डूइंग वेरियस अदर ऑड जॉब्स इन साउथ इंडिया तो देखो ये तो हो गई बात आपकी नॉर्थ इंडिया की अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया के विलेजेस की द सोसाइटी इन द विलेजेस वॉज डिवाइडेड इन टू वे और द रिच लैंड ओनर्स उजावर और स्मॉल लैंड ओनर्स एंड द कड़ाई शियार एंड अड़ी मई होैंड लेबर तो देखिए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं जिन पर काफ़ी ज़मीन होती थी और जो अमीर लैंड ओनर्स की गिनती में आते थे उसके बाद ऊजावर होते थे जिनके पास कम ज़मीन होती थी और कड़ाई शेयर और अढ़ी के पास ज़मीन नहीं होती थी अर्बन सेंटर्स दो अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन ईच अर्बन सेंटर डेवलप्ड इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर तो देखो आ, अगर देखा जाए तो आज भी क्या होता है आज होता है कि हर जगह हर चीज़ ग्रो करती है हर जगह हर चीज़ बनती है पर कहीं कहीं कोई चीज़ बड़ी फेमस होती है जैसे कि अगर हम बात करें आगरा तो आगरा का सबसे ज़्यादा पेठा फेमस है ताजमहल फेमस है ओके अगर हम बात करते हैं फिरोजाबाद की तो फ़िरोज़ाबाद की कांच का काम यानी ग्लास का काम फ़ेमस है तो उस समय भी जो अर्बन सेंटर्स थे उनके कोई ना कोई ख़ुद के यूनिक कैरेक्टर्स हुआ करते थे वेल सम अर्बन सेंटर्स ग्रो इन इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल यूनिट्स अदर डेवलप्ड इन टू रिलीजियस सेंटर्स और मार्केट टाउन्स तो इसी टाइप से पहले होते थे कोई ना कोई जो अर्बन सेंटर्स थे उसमें कोई पॉलिटिकल यूनिट की तरह ग्रो की ग्रो होती थी कोई यूनिट कोई जगह तो कोई मार्केट टाउन की तरह डेवलपमेंट करता था तो कोई रिलीजियस सेंटर बन जाता था तो देखिए ज़रा पॉलिटिकल सेंटर्स चलिए देखते हैं कुछ अर्बन टाउन्स के को जो किस चीज़ के लिए फेमस थे सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल सेंटर्स की तो पॉलिटिकल सेंटर्स में हो गए राजगृह श्रवस्ती चंपा मार्केट टाउन्स उज्जैन रिलीजियस सेंटर काशी मथुरा वाराणसी वैशाली एंड कोस्टल टाउन्स सोपारा अरिका मेडू एंड ताम्रलिप्ति तो ये सिटीज़ थे आपके ये टाउन्स थे ओके Now मार्केट towns became अ हब ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज Many towns became अ फोकल पॉइंट फॉर villages which could यूज their सरप्लस क्रॉप इन एक्सचेंज तो अगर हम मार्केट टाउन्स की बात करें तो काफ़ी सारे टाउन्स ऐसे थे जिसमें किसान जानते थे कि वहाँ पर जाकर इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो अपने जो सरप्लस है सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा ग्रेन है जिसको वो बेच सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं coastal towns developed from the maritime trade that enjoyed with other countries earlier they may have existed as fishing towns and the proximity of sea may have led to then becoming maritime trade centers there were also some towns that gained prominence as they lay an important trade routes such as mathura amravati kondapur and nagarjuna konda तो देखिए कुछ ये ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स थे ऐसे टाउन्स थे जो कि ट्रेड रूट्स का काम करते थे यानी इन जगहों से ट्रेड हो सकता था ओके okay, ये रूट थे उस समय के मथुरा अमरावती शिला सम अर्बन सेंटर्स लाइक तक्षशिला मल्टी फंक्शनल अब हम बात करेंगे तक्षशिला की जो कि मल्टी फंक्शनल था हम देखेंगे कि मल्टी फंक्शनल क्यों था इन द प्रजेंट डे तक्षशिला इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान तक्शिला was excavated इन 1913 by Sir सर जॉन मार्शल तो इसकी खुदाई करके इसको ढूंढा सर जॉन मार्शल ने 1913 में द एक्सकेशन रिवील्ड दैट तक्शिला वॉज इन्ेबिटेड सिंस द मॉरियन पीरियड जो भी खुदाई के दौरान चीज़ें मिली इनसे हमें पता चला कि मॉरियन पीरियड से ही यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी तक्शिला वॉज ए नेक्स्ट द इंडो ग्रीक किंगडम ऑफ बैक्ट्रिया इट वॉज अंडर द इंडो ग्रीक्स दैट तक्षशिला डेवलप्ड इन टू अ प्लांट सिटी तो इंडो ग्रीक्स के टाइम पर इस सिटी ने काफी इम्प्रूवमेंट किया काफ़ी प्लांट सिटी ये साबित हुई द प्रजेंस ऑफ अ फोर्टिफिकेशन वॉल इंडिकेट्स दैट इट वॉज अ प्रॉस्पेरस अर्बन सेंटर एंड वॉज ससेप्टेबल टू फॉरन अटैक तक्षला फंक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एंड इवन वेन इट वॉज एने Uh, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट साबित हुई क्यों क्योंकि यहाँ पर uh, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम था वो हुआ चाहे वो मॉरियन पीरियड में हुआ या फिर वो इंडो ग्रीक पीरियड में हुआ अ नंबर ऑफ मेजर ट्रेड रूट्स ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया कश्मीर एंड सेंट्रल एशिया वेंट थ्रू तक्षशिला तक्षला आल्सो फ्लरिश्ड एज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द तक्षला यूनिवर्सिटी तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव uh, से रिलेटेड काम हुए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम हुए इसके अलावा ये बना आपका लर्निंग सेंटर लर्निंग सेंटर क्यों बना क्योंकि यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा चुकी थी इट इज बिलीव्ड दैट द चाणक्य चंद्र गुप्त एंड चीफ मिनिस्टर वंस टॉट एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी और ऐसा माना जाता है कि जो चाणक्य थे कितने अकलमंद इंसान थे कितने होशियार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को रास्ता दिखाया जीतने का मगध को ओके तो बहुत होशियार थे बहुत इंटेलिजेंट uh, थे चाणक्य इन्होंने भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है ड्यूरिंग द सिक्स सेंचुरी टू न्यू रिलीजियस सेक्ट्स डेवलप्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सिक्स सेंचुरी आते आते हमने पढ़ा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी स्टार्टिंग uh, हो चुकी थी लोग परेशान हो चुके थे काफ़ी uh, महंगे महंगे यज्ञों से इतने लंबे लंबे प्रोसीजर्स से तो लोगों को एक सिंपल रिलीजन चाहिए था और जब लोग खोज कर रहे थे सिंपल रिलीजन की तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म की उत्पत्ति हुई वहाँ से उनकी शुरुआत होना शुरू हुआ तक्षला वॉज ऑल्सो नोन एज द बुद्धिस्ट हब अब देखो तक्षला को बुद्धिस्ट हब भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज थी जो तक्षशिला में पाई गई अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज कैन बी फाउंड इन तक्षशिला द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विच वॉज एन एमगमेशन ऑफ ग्रीको रोमन फीचर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशाण डाइनेस्टी सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तक्षशिला फंक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो देखो हमने देखा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी थी बुद्धिस्ट सेंटर भी था तक्षशिला में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज मिली इसके अलावा लर्निंग हब था क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी और एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन था जहां पर लोग ट्रेड से रिलेटेड मिल सकते थे एक दूसरे से नाउ सोर्सेज अ लॉट ऑफ रेफरेंसेज फॉर दिस पीरियड कैन बी फाउंड इन लिटरेरी टेक्स्ट सच एज जटाकाज एंड बुद्धिस्ट त्रिपिटक एंड द अष्टध्यायी ऑफ पानीनी The Sangam literature that has been documented in Tamil also proves to be a reliable source of this period. So, Sangam literature the Sangam literature includes details about kings and their reign, as well as various other developments that took place during their रूल तो संगम लिटरेचर में ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेशन uh, है जो डिटेल्स में डिटेल में हमें बताती है उस समय के रूलर्स और किंग्स के बारे में अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम दीज लिटरेरी सोर्सेज फॉर इंस्टिंग्स द बुद्धिस्ट त्रिपटाकाज गिव डिटेल्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड टीचिंग्स एंड ऑल्सो मैंशन द पीरियड दे आर सेट इन दे आर फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द अर्बन सेंटर्स द इवेंट्स टुक प्लीस द जटाकाज weave इन द contemporary सेटअप इन their स्टोरीज थ्रू विच वन कैन गेट आइडिया ऑफ द अर्बन सेंटर्स तो जटाकाज टेल्स जटाकाज जो हैं उसमें हमें काफ़ी कुछ पता लगता है उनके बारे में बुद्धिज़्म के बारे में इसके अलावा अर्बन सेंटर्स के बारे में भी उसमें जिक्र किया हुआ है बिसाइड्स लिटरेरी सोर्सेज सम आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड the second urbanization also witnessed the use of a fine pottery that has been identified as the northern black polished ware तो so black polished ware हमने जब स्टार्टिंग की थी हिस्ट्री की तब उसमें हमने पढ़ा था तो यहाँ पर ऐसी काफी सारी पॉटरी मिली जो कि ब्लैक पॉलिशड वेयर के नाम से जानी जाती है the unique feature of this pottery is its glossy surface that is black in color इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये काले रंग की होती है और इसका जो सरफेस होता है वो बड़ा चिकना और चमकीला होता है बड़ा शाइनी सा सरफेस होता है दिस टाइप ऑफ पॉटरी वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन बिहार गंगा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर इज एसोसिएटेड विद द सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन प्लेस ड्यूरिंग सेंचुरी ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक पॉटरी बेयर है यानी इस टाइप के जो पॉटरीज हैं जो इस टाइप के बर्तन थे इस टाइप की पॉटरीज थी जो ब्लैक कलर की होती थी और शाइनी ब्लैक कलर की होती थी ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का हिस्सा है जो कि सिक्स सेंचुरी में हुआ देर इज एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज इसके अलावा फोर्टिफिकेशन यानी कि किला नुमा इमारतें भी बननी शुरू हो चुकी थी लोग डरते थे कि कहीं कोई दूसरा राज्य या दूसरा रूलर उन पर हमला ना करते इन मैनी सिटीज रिंग वेल्स आर फाउंड दीज वर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कैरेमिक पॉट्स टैग टूगेदर इन रूल्स दे वर प्रोबेबली यूज एज टॉयलेट्स ब्रेन्स और वर यूज टू डिस्पोज गार्ज अब यह है केस स्टडी ये केस स्टडी आपको खुद करनी है कोई डाउट हो तो आप बताइएगा नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर सोन यू विल बी प्रोवाइडेड विद एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप क्वेश्चन आंसर्स आप खुद ट्राई करिएगा अगर कोई डाउट हो तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन की पिक क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा हम लोग आपके डाउट्स को ग्रुप पर क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर टिल देन बाय बाय